हाय दोस्तों, आप सभी का प्रेम बलूर मैथ के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम मेरा, तो आज हम जो बात करने वाले वो मैथमेटिक्स के अंदर बात करेंगे। जो दो शंकु क्या होता है और बेलन क्या होता है, ये बात आपको बताते हैं। मैंने बोला बेलन, बेलन होता है और एक होता है शंकु भी। तो बेलन में जो आयतन होता है मतलब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, जो बेलन बेलन का वॉल्यूम होता है वो होता है क्या दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या भाई वक्र पृष्ठीय है वो कितना होता है, तो वो होता है 2πRh होता है। उसके बाद टोटल सरफेस मतलब कह सकते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, तो देखो भाई वो होता है 2πR, 2πR H प्लस R होता है। अब इधर वही शंकु में क्या होता है वॉल्यूम, जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो कुछ नहीं भाई, 1/3 लग जाएगा और पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु जो होता है हाइट होती शंकु में वो हो जाएगा। अब इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। उसके बाद टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर पाई आर एच, क्या भाई पाई आर और ये एल प्लस आर होता है। ये इसका क्या है भाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इन से संबंधित के बच्चों को कब कभी क्या सूत्र भी नहीं आते भाई, सूत्र भी नहीं आते तो वो क्वेश्चन को छोड़ा था, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो आते वो भाई क्या आते, क्वेश्चन आते वो सूत्र पर बेसिक आते हैं। अपन को सूत्र याद है तो अपन क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इनको मैं आपने, मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों की समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों का, उससे पहले एक बात भाई सभी क्वेश्चनों पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके देखिए भाई। ये वाले क्वेश्चन को करिए आप, करिए भाई जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन की बात करिए सभी विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन, चारों ऑप्शन देकर के क्वेश्चन को करिए भाई कि आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, करिए बार भाई। देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन को, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों अपन को कि एक लंबे वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है अपन को 3:7 दे रखा है। तो बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या का अनुपात निकालना भाई, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अपन को अनुपात निकालना। तो देखो कैसे निकाला, पहली बात तो अपन में क्या भाई, जो बेलन होता है, बेलन का क्या होता भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन इनका सूत्र लगा भाई, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या था, 2πRh होता है बटे, और जो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस आर होता है। और ये रेशो देगा अपन कितना, 3:7 दे रखा है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, देखो 2πR से 2πR गया भाई, और एच बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, एच बराबर 3 हो गया, तो यहां पर मैं 3 लिख सकता हूं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। एच बराबर 3 आ गया, 4 क्या आ गया भाई, इसकी त्रिज्या आ गई। अपन को क्या पूछा है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई कितनी है 3 और त्रिज्या 7, तो रेशो कितना आ गया 3:7, 3:4, इसका क्या रेशो निकल के आया। यही तो बात अपन से पूछी हुई कि जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकले, ये तो इसकी ऊंचाई होगी और ये इसकी त्रिज्या होगी, तो इनका रेशो क्या निकल गया, 3:4 इनका रेशो निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके तरीका शानदार तरीका समझ में आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बहुत
बेसिक सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन था जो आप सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। ग्रुप बी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। इन क्वेश्चनों को जो एंटीमिशन है वो क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को करिए एक बार सभी विद्यार्थी, कमेंट करिए जल्दी जल्दी आंसर है क्या होगा इसका, आंसर करिए क्या होने वाला इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार करिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करिए भाई सभी विद्यार्थी, करने का प्रयास करिए, आंसर आपका आ जाएगा। करिए भाई, देखो पहली बात तो अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह आपके समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन आप आसान तरीका से कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, एक तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है कितना, 81 दे रखा है। जब तार का अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इसी प्रकार बने अर्धवृत्त आकृति का क्षेत्रफल निकालना। तो अपन क्या पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो अपन को क्या दे रखा है उसने, अर्धवृत्ताकार एक वृत्ताकार आकृति दे, तो ये वृत्ताकार आकृति कैसे दी इस प्रकार से, जिसकी क्या चार भुजा क्या समान होती है, ये वृत्ताकार देखिए। लेकिन अपन को भाई ये मैंने ए मानी, ए भी ए और ये भी, ठीक। तो अपन क्या दे रहा है इनको, मूल में अपन को क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसका अपन को क्षेत्रफल दे रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है अपन का, भुजा के साथ बराबर अपन दे रहा है 81। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 आ चुकी यहां से। अब ये भी क्या होगी, 9 होगी, ये भी 9 हो जाएगी, ये भी 9 हो जाएगी और ये भी 9 हो जाएगी, सब पृथ्वी भुजा 9 हो जाएगी। और इसको क्या दे रखा है, तो परिमाप क्या निकलेगा, 9 9 9 9, इसका जो परिमाप है, परिमाप निकल गया है इतना, 36 का परिमाप निकल गया। अब क्या पूछा, जब इस तार को वृत्ताकार बनाया जाए, अर्धवृत्ताकार, तो अर्ध जो वृत्ताकार होता है ये ऐसा होता है, ये इसका अर्ध, ये उसके अगर अर्धवृत्ताकार हो गया। तो देखो ये अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार क्या होता है, जो अर्धवृत्ताकार होता है वो छिद्र निकालेंगे वो कहेंगे ये क्या है, यहां से होता है आई, तो ये क्या 2r हो जाएगा। और ये अर्धवृत्ताकार का अपन क्या करेंगे, जो होता है वो क्या 2πr होता है, तो ये क्या है, πr हो जाएगा। अभी क्या इसको अपन कितना देखा भाई, उसने 36 निकल के आया, ये अपने टोटल कितना आया, 36 निकल के आया। और यहां से क्या करूं, मैंने आर मैंने कॉमन लिया तो पाई बटे पाई का ये हो गया भाई क्या, पाई प्लस 2 हो गया बराबर 36 हो गया। यहां से मैंने क्या किया, पाई का मान 22 बटे 7 लिखा प्लस 2 इंटू 36। अब मैंने इसको कर लिया तो क्या हो, 7 × 2 = 36 हो गया, 8 × 36 = 7 बराबर 36, ये गया भाई 36 से 36, तो R बराबर 7 निकल के आया। R बराबर क्या निकल गया आपके पास, 7 निकल के आया। तो अपन से क्या पूछा, अर्धवृत्त का, और जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या भाई, क्या पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या है, पूरे वृत्त होता है 5000 अनुसार, इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या अर्धवृत्त हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, पाई का मान 22 × 7 लिखा इनटू R का मान 7 दे रखा है, 7 और ये 2 नीचे आ गया, 11 से ये काट करने लगे कितने 11 आ गया, 7 से 7 गया कितना है 77, तो 77 से हमने बना क्या भाई, इसका इसका क्षेत्रफल आ गया। तो आया भाई आंसर शानदार जबरदस्त है, मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों ये क्वेश्चन शानदार तरीके से समझ में आ गया भाई, क्या आंसर निकल गया, 77 सेंटीमीटर साइज का क्षेत्रफल निकल गया, क्या अर्धवृत्त का पूछा था। अपन एक बार फिर इसको सभी बच्चों को रिवाइज करवा देते, क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर दोबारा लगा दिया जाएगा। देखो क्या दे रखा है, जो वर्ग दे रखा है वृत्त मतलब सॉरी वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 81, तो मैंने यहां से क्या है साइन निकाल ली एक तरफ, इसकी 9 हो जाए सबकी 9, तो क्या 4 हो गया 36 हो गया भाई, परिमाप होता है 4 × 1 होता है, तो मैंने क्या किया 4 का लिखा और 9 का लिख दिया तो 36 हो गया, 36 का क्या परिमाप हो गया। अब क्या कर अर्धवृत्त का परिमाप बराबर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या मैंने अर्धवृत्त बनाया, ये पूरा होता है पूरा क्या है 2πr होता है, तो मैंने पाई आर लिखा, फिर यहां से यहां आर होता है तो ये 2r हो गया, मैंने आर कॉमन ले लिया, फिर मैंने किया 36 लिखा, आर बराबर क्या गया 7 निकल गया। अब पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने क्या अर्ध पूरे वृत्त का था 2πr, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर अनुसार होता है, मैंने उसमें 2 भाग दिया, 2 भाग देने के बाद अपने पास में आंसर आया 77। आया नहीं आया,
शानदार सही तरीके से समझ रहा होगा स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन भी देखते हो, एक बार कमेंट कर दे किस किस क्वेश्चन राइट आया आंसर भाई, कमेंट करिए जो करने वाले क्वेश्चन का भाई किसका राइट आया भाई बताइए। 77 आंसर आया भाई, कितना 77 आंसर आया भाई करिए ठीक है। जो विद्यार्थी स्क्रीन शॉट लेना चाहता है वो स्क्रीन शॉट ले ले ठीक है। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता भाई। आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बात करिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए भाई करिए। आंसर चार ऑप्शन में से आपको देना भाई, चार ऑप्शन जबरदस्त ऑप्शन है, करिए ऑप्शन अच्छे है करिए भाई। आंसर एकदम सटीक करना सभी तरीका को, ये एनटीपीसी 2021 की एग्जाम में पूछे गए वो ही क्वेश्चन है आपको, प्रत्येक विद्यार्थी ये क्वेश्चन पढ़ ली तो आप दोनों समझो ग्रुप डी बहुत 25 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे भाई करिए भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि पाई का मान 22/7 मानते हुए एक लंबर शंकु के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको याद करना है, जिसका वृत्ताकार आधार का व्यास 8 सेमी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। तो देखो अपन को जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रहा है, 8 दे रखा है व्यास। तो यहां पे क्या भाई आर बराबर क्या हो जा रहा है, यहां पे 4 सेमी हो जाएगा, एच बराबर दे रहा है कितना, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 14 दे रखी है 14 सेमी। अब पूछा गया अपन को भाई इसमें कि जो शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल वो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बताइए क्वेश्चन क्या रहा है कि शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो वो कितना भाई, देखो जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है, एल मतलब ऊंचाई समझ सकते इसको, तो यहां से अपन निकाल सकते भाई कितना, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान अपने पास 4 है और एल का मान क्या करेंगे अपन, कितना हो जाएगा, एक मान 14 हो जाएगा, 14 दे रखा है मैंने, इसको काटा भाई दो बार, इसको गुणा किया 8, तो 22 × 8 किया 16, 176 भाई, 176 इसका क्या है आंसर निकल के आया आया भाई। सभी विद्यार्थियों का आंसर आगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेंसुरेशन क्वेश्चन था आपका तीसरा क्वेश्चन, हम प्रतिदिन क्वेश्चन करवाएंगे शानदार जबरदस्त, ये सीरीज को स्टार्ट किया है तो भाई इसको लास्ट तक ले जाएंगे ठीक है। तो एक बार भाई सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दिए भाई कि सबका आंसर राइट आ रहा है, अच्छा आंसर आ रहा है भाई, क्या आंसर क्या करिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार करिए भाई सभी करिए करिए, अगर क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए भाई कमेंट में, आंसर करिए जल्दी जल्दी आंसर करिए कमेंट में, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, शानदार क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार पढ़िए भाई क्वेश्चन को करिए भाई करिए एक बार भाई। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 44 सेंटीमीटर परिमाण के वर्ग का तथा 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये पूछा भाई। 44 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है एक का और 44 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, तो उसमें मतलब किस आकृति का मतलब पाए जो क्षेत्रफल वो अधिक है भाई, वर का या वृत्त का, करिए भाई क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा भाई जल्दी बताइए। देखो अपन को क्या कह रहा है दोस्तों, वो अपन को एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है और वो वर्ग की क्या कह रहा है परिमाप दे रखा अपन को कितना 44, तो परिमाप 44 दे रखा है, तो 11 का भाग दे तो कितना है भाई 4 आ गया,
तो अब क्या है भाई, सॉरी चार का भाग देंगे तो आंसर क्या है अपना 11,000। तो ये भी 11 होगी, 11 11 11, ये प्रत्येक भुजा 11 होगी। तो अब क्या पूछा उसने भाई, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, भुजा एक स्क्वायर होता है। तो मुझे 11 आई, मैंने 11 एक स्क्वायर किया तो कितना हो गई 121। तो ये तो 121 आया भाई, किसका, वर्ग का, वर्ग। अब अपन को पूछा वृत्त, तो वृत्त की जो वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या था, 2πr होता है। ये अपन को दे रहा 44, ठीक है। अब यहां से क्या अपन भाई क्या निकालेंगे, यहां से त्रिज्या निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 2 से 2 ये काटा भाई कितनी बार, 22 बार। पाई का मान 22/7 होया, त्रिज्या अपन को चाहिए, तो यहां से मैंने क्या किया 22। तो 22 से 22 गया, तो आर बराबर आपके पास मांगे 7। अब क्या पूछा अपन को, उसमें क्षेत्रफल पूछा है कि भाई क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर के साथ होता है। तो पाई का मान मैंने 22/7 लेगा, त्रिज्या अपन को 7 दे रखी है, 1 से 1 गया, 154 हो गया। ये 154 हो गया, तो भैया कह रहा है किसका क्षेत्रफल है, ये यहां पे 121 है और वृत्त का 154, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है भाई। देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना अधिक है भाई, 154 में से 121 गया तो 33 बच गया, तो 33 सेंटीमीटर इसका का आंसर राइट है। 33 सेंटीमीटर का जो वृत्त की पड़ती है, वृत्त है उसका क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अपन को यही बात पूछी क्वेश्चन में भाई कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 सेमी वर्ग के एक परिमाप का, एक 44 सेंटीमीटर फर्दी के वृत्त का क्षेत्रफल का में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो भाई वो क्या है, वर्ग का जो सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर अपना ज्यादा आंसर है। तो ये क्या है, वृत्त की जो आकृति उसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यही अपन को बात पूछी थी और ये अपन को आंसर लाना था। तो ये अपना राइट आंसर 33 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया, इसका करिए आंसर, क्या आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगा लिए भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम लगी उनमें आया। तो आपकी बात ग्रुप डी में 100% क्वेश्चन आया भाई। भाई लगा लीजिए इसको राइट आंसर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार भाई सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए भाई, करिए भाई, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है उसका जवाब दे दीजिए सभी विद्यार्थी, आंसर क्या होने वाला है इसका, करिए भाई। देखो बस इसका आंसर क्या होने वाला है, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। तो देखो एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास अपन को दे रखा 14/11 मीटर है। ये पहिया एक प्रति मिनट में 10 चक्कर लगाता है, तो बैलगाड़ी की चाल को जो किलोमीटर में बताना है। तो देखो भाई अपन को जो डायमीटर दे रखा व्यास वो कितना दे रखा भाई, 14/11 दे रखा। इसको अपन डिस्टेंस मतलब आर बनाएंगे, मतलब आर त्रिज्या बनाएंगे, तो 14/11 गुणा 1/2, मैंने ये काटा 7 बार, तो 7/11 क्या है इसकी भाई त्रिज्या निकल के आ गई, 7/11 इसकी त्रिज्या निकल के आई। अपन से क्या पूछा भाई, अभी एक चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हो गया वृत्त हो गया, और वृत्त में जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है 2πr होता है। अभी 10 चक्कर लगा रहा है 2πr में, तो यहां से मैं देखो भाई पाई का मान तो 22/7 हो गया, त्रिज्या अपन को कितनी दे भाई 7/11, तो यहां से मैंने काटा भाई 2 बार, ये 7 से 7 गया, तो ये कितना हो गया 4 मीटर, 4 मीटर निकल गया। तो ये कितना चक्कर लगा रहा भाई, 10 चक्कर लगा रहा, 4 × 10 किया तो भाई कितना होगा 40 मीटर हो गया। अभी 40 मीटर हो चुका है, तो इसको क्या है, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन की चाल निकाले, तो ये क्या है? एक मिनट में 40 चक्कर लगा रहा भाई, 40 मीटर लगा रहा। तो अब क्या भाई अपन चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई,
दूरी बटे क्षमा होता है। तो दूरी कितनी है भाई 40 मीटर, समय एक मिनट, एक मिनट को अपन सेकंड में चेंज कर लेंगे भाई 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किलोमीटर पूछा तो किलो तो बड़ा होता, तो ये किया अपन 18 बटे 5 को। अब क्या करेंगे, 5 का दिया तो मैंने भाई इसमें 8 बार गया, 6 का दिया तो 3 बार गया, और 3 गुणा 8 किया तो कितना गया 24 आ गया, और ये नीचे भाई 10 बचा, तो इसकी जो स्पीड आई वो कितनी आई 2.14 इसकी भाई किलोमीटर में इसकी स्पीड आई भाई। ये इसका करेक्ट आंसर आया भाई विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2, ये तीनों चार ऑप्शन में से इसका एक आंसर अपना 2.24 दे रखा है, वही अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। तो एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर बता भाई इसका आंसर किस प्रकार से आया। ये देखो अपन को क्या है, जो ब्यास दे रखा है वो देखा 14/11 दे रखा, जिसको अपने त्रिज्या निकाला, त्रिज्या 7/11 आया। अब वो करे एक चक्कर प्रति मिनट के चक्कर में 10 चक्कर लगाता वो, तो यहां से कोई वृत्त होता है, ये एक चक्कर में कितना 2πr करता भाई एक चक्कर में, तो टोटल 40 मीटर आया, 10 चक्कर लगाना तो 40 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर में 10 से गुणा किया तो 40 मीटर हो गया। अब एक मिनट में 40 मीटर की दूरी कर रहा है, तय कर रहा है, तो भाई अपन को स्पीड निकाली, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है, और डिस्टेंस बटे डिस्टेंस की 40 आ गई उसकी, और टाइम उनको 60 दे रखा है, तो ये 60 क्या अपने सेकंड में मीटर में मिनट को सेकंड में चेंज किया, सेकंड में चेंज किया और 18/5 से गुणा किया किलोमीटर में चाहिए, इसलिए तो आंसर निकल गया 2.4 इसका करेक्ट आंसर निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी को राइट आंसर होगा, और किस किस विद्यार्थी को राइट आंसर आया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बताइए कि आंसर किस किस का राइट आंसर आया भाई, कमेंट करिए भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और बताते हैं आपको भाई, आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन, आज की वीडियो क्या है लंबी नहीं बना, तो आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन समझो, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जबरदस्त करिए बार भाई सभी विद्यार्थी करिए इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए, शानदार क्वेश्चन है भाई, एक बार इसको करिए भाई, आंसर क्या होने वाला है करिए करिए भाई, क्या आंसर होने वाला है इसका। सभी विद्यार्थी आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करिए एक बार, देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपके भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 300 मीटर दे रखा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपन ने क्या पूछा आयत का परिमाप निकाली, जो आयत का परिमाप अपन से पूछा है, क्या कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल अपन को 300 सेंटीमीटर दे रखा है, 300 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण का जो आयत है उसका परिमाप उनको याद करना भाई, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है, शानदार तरीका से इसका जवाब दो, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन में बताइए भाई। चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला 121, 176, 25 और 50 में से चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बताइए। देखो क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो देखो पहला अपन क्या करें आयत बनाई, मैंने क्या आयत बनाई, ये आयत बना रहा, इसका अपन को विकर्ण दे रखा कितना 5, ये 5 दे रखा है विकर्ण भाई, विकर्ण 5 दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा लंब, या फिर अपन इसको क्या ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ऊंचाई, तो इस प्रकार से अपन अब कैसे निकालेंगे भाई इस क्वेश्चन को, जिससे कि अपन जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की आकृति होगी तो ये 5, तो ये 3, 2, 4 हो जाएंगे, ऐसे तो थे, लेकिन अपन को इस प्रकार से नहीं करना भाई, इसको पूरी तरीके से समझ, तो मैं क्या करूं भाई, एलिप्सर प्लस लंब बराबर 5, ये क्या, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई आंसर 25 आ जाएगा बराबर 25, ये निकल के आया यहां पे, अपन से क्या पूछा जाता परिमाप, और परिमाप क्या होता भाई, a प्लस बी को अपन जोड़ेंगे परिमाप जाएगा, अपन इसका विस्तार करेंगे भाई, l प्लस ए बी होता है, ए बी बीज गणित में पढ़ा होगा, तो ए बी का विस्तार करते तो क्या करता भाई, देखो
एल क्षार प्लस वी क्षार प्लस टू एल वी होता है, ये होता है। अब अपन क्या करें भैया बताओ। देखो भाई पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे अपन, तो ये हो जाएगा एल प्लस वी का होल क्षार बुरा होल सनी, तो एल क्षार प्लस वी क्षार प्लस टू एल वी का ये अपना रूट लग जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते भाई 25, तो मैंने 25 रखा प्लस 2, इस पूरे की जगह क्या रख सकते हो क्षेत्रफल अपन कितना देगा एल भी कितना देगा 300 दे रखा भाई, तो मैंने यहाँ पे 300 लेगा, इनको गुणा 600 600 होती है 25 हुआ 625 हो गया भाई, और ये ऊपर तो एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 25। तो अपना राइट आंसर कितना आया यहां से भी ला सकते थे, तो अपना परिमाप आया जो 25 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी बाई करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिक तरीका अपन को आधार दे रखा डिकर्ण देखा तीन, फिर अपन बेसिक समकोण त्रिभुज तीन, तो ये कितना हो जाएगा एक सीरीज चलती तीन चार पांच का, ये भाई समकोण त्रिपिट होता है जो आपको पहले बताया, तो ये चार हो जाएगा ये तीन हो जाएगा, तो ये क्या एक समकोण त्रिभुज हो गया, जो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं कि लंब क्षार बराबर वो कर्ण बराबर क्या होता है लंब क्षार प्लस आधार क्षार होता है कर्ण बराबर, तो इस प्रकार से अपन इसको निकालते जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा का बराबर होता है तो वो क्या होता है समकोण कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये परिमाप कुछ समझ में आया होगा, आयत का परिमाप क्या होता है क्या नहीं होता ये सब कंप्लीट आपको समझ में आएगा। तो आज का जो सेशन था वो यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि जो वीडियो शाम को 5 बजे वाली वीडियो आने वाली है वो सॉरी ग्राम सेवक की जो मैंने वीडियो आपको बताई थी वो शानदार और सभी जानकारी इसकी अपडेट हो गई होगी, तो वो पूरी जानकारी आपको लास्ट तक देना वीडियो, उसमें पूरी जानकारी बताई कि ग्राम सेवक के बारे में क्या क्या है। तो सभी विद्यार्थी ग्राम सेवक राजस्थान ग्राम सेवक की जो भर्ती निकल गई है उसमें आप फौरन अप्लाई करें, जिसने बी ए कर रखा है और बी एस सी बी कॉम कर रखा है और साथ में साथ कंप्यूटर कोर्स कर रखा है जो आर एस सी आई टी कोर्स कर रखा है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है दोस्तों आज का मेंस्ट्रुएशन का पहला पार्ट कंप्लीट, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा शानदार लगा। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।